वहाँ से अभी हम जहाँ रानीगढ़ गए थे अभी ये दिखाएंगे अपने वीडियो में, ऊपर खूब चोटी पर है। भाई गाड़ी में बहुत लंबी भीड़ लगी है, उम्मीद से ज़्यादा, इतना मेरा आइडिया भी नहीं था और भीड़ भी जहाँ मुझे लगी, हम तो सोचना चाहिए नॉर्मल ही यार। तगड़े पहुँच गए माथी, नहीं तो चल अब हर हर महादेव, भीड़ बहुत खतरनाक है। जय हो भोले भंडारी बाबा जी, हर हर महादेव। चल दा फिर उप, चलो जी हाँ जी, चलो 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 चलो। राज करीबन 17-18 साल बाद मैं खान हो, अरे बड़े करीबन 1.5 किलोमीटर उम्मा थी वाला 2003 में गए छा मी भी, तो गर्मी आला नहीं छाओ दिन तू नहीं छा भूले ना, आज दर्शन करने गए हम सिर्फ। तो मेला में मैं आज पहलवार आने जाऊँ और मेला लेके आऊँगा मैं आप लोगों के लिए, बड़ी रास्ता कच्चू रास्ता बन जाए लेकिन अभी पक हुई है, भक्त लोग से दर्शन कर आए हैं। और नवी पूछने लगे पीपल, ठीक ठाक है, ठीक ठाक आवाज से दे, लेट हो गया यार, असल काम भी कर दन, और क्या सर रस्ते बड़ी हां ले आज सब भक्त हों गए ना कि लेके हल्की हल्की बरखा लगनी, सब जल्दी उन भागे ना, हालांकि थोड़ा थोड़ा घाम भी दिखाने जा। मैं सिर्फ उपजाण वाला 10% जी और 90% उन्नाण वाला जी, दो चार भाई बन छा जी ऐसे लगे दो चार पैदल चल लो आराम से। देखो सब हूं ओके, हाँ हाँ ये बरल चर कांस के तुम्हारे सब हूं कि ना भक्त अब दिखा हम शंकर महादेव वैसा राम राम जल्द याद हूँ यार, दुई दगड़े हमारी खाई ना सब उन्दर खुल गई भीड़, उपजाण वाल सिर्फ उन्होंने चाहे 10%। अबे यार हम लेट हो गया 15 अगस्त का चक्कर में बड़े चढ़ाया लू पहुंच गया जी हम रानीगढ़ महादेव, थोड़े सुबह जी बस पहुंच गया जी मंदिर में भंडारी व्यवस्था बहुत खतरनाक है, हर हर महादेव गेटा घंटे अरे यार देर हो गया यार।
लंगर I'm not afraid.
चलता जरा भंडार तरफ, भंडार में क्या क्या मैं तो मान नहीं सिमलिया खाले 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 कोई बात नहीं लाभ है जरा मैं ज्वेलरी चाहिए ना ज्वेलरी बोलने होने क्या रहता जय हो जय हो जी। अजमेर थाली थाली चावल और सूजी टाइप के अभी चाहिए पता करो समझ नहीं आने क्या थी झंडा क्या आज कब नौ दुई झंडा अरे इतना अच्छा मौसम है भरी हल्की हल्की बूंदाबांदी होनी और बहुत अच्छा लगना मतलब ना गर्म च ना ठंड च बहुत अच्छा मौसम भोलेनाथ जी कृपा से हर हर महादेव अरे आज पानी टंकी
कतना बढ़ गया पता नहीं, कतो हजार लीटर आ पता नहीं। भंडारक व्यवस्था पूरा पहल बार में मेला मान छो भोलेनाथ जी का आशीर्वाद से। कीर्तन मंडली बहुत बढ़िया छे, लगातार कीर्तन गान पर लगी छे और भी बहुत अच्छा छे। Yeah।
और इससे कम नहीं लगूंगा भाई। बेटा बहुत दूर दूर नज़ारा दिखेंगे। तगड़े मिल गए एक सब्सक्राइबर में इतनी पता कुछ सब्सक्राइबर कुछ है नहीं कुछ पवे भूलन में बोले भी ये बल मी भी तो खुद बल तुम्हारे वीडियो तो बाल सब्सक्राइब करू हां नी भी करी माल तो कुछ भी बहुत पता अपना नाम बताओ यार पहले मेरा नाम नीरज नीरज का गांव बेटा जी अच्छा दूस बेटा जी ना अच्छा अच्छा हां पर गांव बोल यार तो सब्सक्राइब करो हां एक दिन तेरा दूस यार में ना हां तो गांव बनो में ठीक ठीक तुम्हारा हर वीडियो देख लिया अरे देखे छे हमारे गाँव के तगड़े आदमी ना जिनमें सर नहीं नहीं बहुत बेकार तगड़े थे चले चाचे हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव नहीं अब हूँ बड़े आते हैं घाट जाने की टाइम 3 बज गए ना आप लोग मैंने रानीगढ़ में अभी दिखा ली। अब अगर आप भोलेनाथ जी सच्चा भक्त हिला तो जो हम सब्सक्राइबर नहीं करी मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर चिंचूड़ी लेडीज पार्ट आइसक्रीम पर खाएंगे फोटो बनाने में फोटो बनते हैं जोड़ यार ये का यार हां चार पांच ढूंढना भी बहुत अच्छा तरीके से लगेगा गाड़ी गाड़ी चलो फिर चल इंदा फिर ना चल इंदा ये कर रहे हैं हां देखो और सामान दे जा जाओ कांच के दुवे लोग बहुत बढ़िया है देशभक्त नारे लगा 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 यार और लगा वो लिया जी हमें गया हूँ रानीगढ़ महादेव से घूमेगा अब हम जरा एक हम बैठे आ जाऊँ हमारे दगड़े ही मिल गए ना मंदिर में मेन लेन पर आप मिल गए अभी टाइम हो गया लगभग 5 बज गए ना पूरा 5 बज गए अब हम जरा शास्त्री जी से 15 अगस्त के बारे में पूछ लो लगे आज 15 अगस्त जो तो वहाँ के बारे में कुछ ना कुछ लगे वो तो खुद टीचर से नमो नमः सर्वेभ्य आज दो दो त्यौहार हैं राष्ट्रीय त्यौहार 15 अगस्त और श्रावण मास का अंतिम सोमवार भी है तो पहले तो मैं सोमवार के बारे में बता दूं श्रावण मास शिव जी के लिए बहुत प्रिय मास है अभी हम जहाँ रानीगढ़ गए थे खूब चोटी पर है भव्य मंदिर जो चारों तरफ दिख जाता है वहाँ से तो शिव जी का एक बहुत पौराणिक मंदिर वहाँ पर है आज उसको दोबारा से 35-36 साल बाद देखने का मौका मिला जैसे मैंने बताया कि श्रावण मास शिव जी के लिए प्रिय है आज अंतिम सोमवार था तो वहाँ पर आज मेला लगता है वार्षिक मेला उसमें हजारों लोग थे उससे भी बड़ी बात ये थी कि वहाँ पर भंडारे की भी व्यवस्था थी इतने दुर्गम क्षेत्र में जो रोड से 2-2.5 किलोमीटर ऊपर है वहाँ जाना ही मतलब पैदल इतनी ठंड में भी पसीना निकल गया और वहाँ तक राशन पहुँचाना ईंधन की व्यवस्था करना हजारों लोगों के लिए पत्तल की व्यवस्था करवाना पानी की व्यवस्था करवाना बहुत ही अच्छा लगा इतने सालों बाद देखकर और लोगों का जो उत्साह था उस मेले के लिए उसको देखकर आज आत्मा प्रसन्न हो गई तो शिव भगवान की कृपा सब पर बनी रही हर हर महादेव दूसरी बात आज ही स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त
2022 है। जैसे आप सब जानते हैं कि ये आज़ादी का 75वां वर्ष है, अमृत महोत्सव है, और अमृत महोत्सव का महत्व हम शायद उतना नहीं जानते जितना वो लोग जानते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता से पहले जन्म लिया है 47 से। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, आप सभी जानते हैं इस बात को। उससे पहले जिन्होंने दास्ता, अंग्रेजों की दास्ता सही, वो कष्ट सहे, बलिदान दिया, शहीद हुए लोग, वो लोग, उन लोगों ने जिन्होंने उस कष्ट को देखा, वो जानते हैं कि आज़ादी का महत्व क्या। आज के बच्चे, हम सब स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं, हमें सब कुछ आज़ादी से मिल रहे हैं। एक यहाँ पर मुझे एक सूक्ति याद आ रही हिंदी की कि मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद रहकर, गुलामी के हलवे से लाख बेहतर। तो आज हम स्वतंत्र हैं, हमें रूखी सूखी जो मिल रही अपनी आज़ादी से खाते हैं। पुराने लोग बताते थे कि बड़े कष्ट होते थे, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष जिसको आज हम पूरा देश मना रहा है, हर 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 घर झंडा, घर घर झंडा भी अब हमने पढ़ा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारे, ये सारी बातें हमने इन 2-4 दिनों में सुनी होंगी। तो उसके महत्व को हमें समझते हुए पूरे राष्ट्र की समृद्धि की कामना करनी चाहिए, पूरे राष्ट्र आगे बढ़े, देशभक्ति सब में जागृत हो और सब देश के बारे में सोचे। इसी के साथ मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। नमो नमः सभी, नमो नमः, हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी नमर आदरणीय शास्त्री जी, अमृत वाणी से आप लोग अवगत हो गए ना। चल दो अब हम घर चल दो।